हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो ऑनलाइन शॉपिंग से मुतल है। ये मैंने तीनों से कुछ जो चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई थी बच्चों के लिए, और इसमें कुछ समर शॉपिंग है बच्चों की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो जी, ये मैंने बच्चों के लिए प्रैक्टिस बुक मंगवाई थी। अगर आपके बच्चों ने न्यू न्यू लिखना स्टार्ट किया है तो उनकी प्रैक्टिस के लिए ये बहुत बेस्ट है। इसके साथ एक पेन और 5 या 10 की रिफ़िल मिल जाती है। इसके अंदर हम दोबारा से भी जो है इंक को रिफ़िल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी थी, तो ये मैंने अपने बच्चों के लिए मंगवाई थी। बड़े बेटे के लिए मैंने उसको उर्दू और अरबी वगैरह सिखाने के लिए, और छोटे बेटे के लिए मैंने उसको अल्फ़ाबेट्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो वगैरह सिखाने के लिए, लाइक अल्फ़ाबेट्स, नंबर और ड्राइंग वगैरह। और ये 4 का सेट था, और जो उर्दू अरबी वाला सेट था वो भी 4 का था। उसके अलावा जी मैंने एक प्रैक्टिस बुक मंगवाई थी, सॉरी, अल्फ़ाबेट की। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अगर आपके बच्चों ने भी नया ना लिखना स्टार्ट किया ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अच्छा, इसकी मज़े की बात यह है कि इसके पेन के साथ एक रबर टाइप जो है वो चीज़ है, हम लिख के तो उसके बाद उसको दोबारा से हम साफ़ करके मिटा के दोबारा से भी लिख सकते हैं। मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग चल सकती है। ये नहीं कि अगर एक बार बच्चे ने लिख लिया तो ये बुक जो है बिगाड़ जाएगी, हम इसको रेज करके और दोबारा भी इस पर लिख सकते हैं। तो जो इसके साथ जो उन्होंने पेन और जो बुक्स हैं ये रीयूजेबल हैं, दोनों को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, देखें इस तरह से। और जी, इसके अलावा जो मैंने चीज़ मंगवाई थी नेक्स्ट, वो थे बच्चों के गर्मियों के शूज़ और सैंडल्स। और ये भी इतने रीजनेबल प्राइस में मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे। और अच्छा, जब मैं कोई भी वीडियो शेयर करती हूँ ना इस तरह की ऑनलाइन शॉपिंग की, तो पहले मैं उसको कुछ टाइम यूज़ करती हूँ, फिर उसके बाद में उसका रिव्यू शेयर करती हूँ कि ताकि अगर किसी और ने भी मंगवानी है तो चलो उसको फ़ायदा हो जाए इस चीज़ का, उसको पता चल जाए ये चीज़ अच्छी है कि नहीं है। तो ये ऐसा चीज़ जो है, मेरे बेटे ने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन अभी तक जो है ये अच्छे जा रहे हैं। और ये जी मेरे बेटे ने, तो मैंने सेकंड नंबर वाला बेटा उसके लिए मंगवाए थे, और जी ये 6 यूरो के थे। और ये पेन ड्राइव काफ़ी टाइम से, अभी 1 माह हो गया हुआ है, ये इतने अच्छे जा रहे हैं ना, सॉफ्ट भी हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। और ये मैंने इसलिए मंगवाए थे कि जैसे मेरा बेटा जो आपको पता है पॉटी ट्रेनिंग पे है, तो मैंने कहा चलो अगर पीपी वगैरह कर भी देगा तो मैं उसके बाद उसको फेंक दूंगी, लेकिन अभी तक ये ठीक जा रहे हैं, क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छे हैं। तो ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जरूर बाई करें, 6 यूरो के लिहाज से कुछ भी नहीं है। और जी, इसके अलावा ये मैंने अपने सबसे छोटे बेटे के लिए मंगवाए थे समर्स के कुछ कपड़े, और ये शॉर्ट्स, और ये देखिए इस तरह से शर्ट है इसके साथ, लेकिन ये मुझे नहीं अच्छे लगे थे, क्वालिटी वाइज भी नहीं ठीक थे, क्योंकि ये जो है इनका स्टफ ना, इनके अंदर वो नायलॉन टाइप की चीज़ होती है लचक वाली, ये बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी में नहीं पहने जा सकते, तो ये इतने अच्छे नहीं मुझे लगे। और ये भी मैंने अपने सबसे छोटे बेटे के लिए मंगवाई थी, ये 2 का पेयर था सॉक्स का, और ये जी नॉन स्लिपरी थी, इसके नीचे प्लास्टिक के डॉट थे कि अगर बच्चा चलेगा भी तो स्लिप नहीं होगा, इससे गिरेगा नहीं। और इसके अलावा ये जी मैंने मंगवाई थी रेगन व्यास बारिश की जैकेट, और ये भी जी आई थिंक 8 या 9 यूरो की थी, और ये भी क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जैसे रात के टाइम जो है, अगर आप ये अक्सर यहाँ पे मतलब मौसम ठंडा होता है और बारिश वाली सिचुएशन होती है, तो उसके लिहाज से ये गर्मी में बेस्ट है, उसके नीचे बस कपड़ा सा लगा हुआ है। और इसके अलावा ये मैंने मंगवाई थी सनग्लासेस, चाहिए बच्चों के लिए, ये भी बच्चों की हैं और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि अक्सर बच्चों को आदत होती है कि वो ग्लासेस को बहुत ज़्यादा खोलते हैं या बंद करते हैं तो साइड से वो टूट जाती हैं, तो इस तरह की इनकी सारी ही ये फोल्ड होके फोल्ड हो जाती हैं, और जिसकी वजह से ये टूटती नहीं है, देखिए इस तरह से ये सारी ही फोल्ड हो जाएगी, और बच्चे इसको जितना मर्जी फोल्ड करें खोलें बार बार, लेकिन ये टूटेगी नहीं। और इसकी मुझे पैकिंग है जो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, आई थिंक ये 2 यूरो की थी, उस लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। और जी ये थी बच्चों की शॉपिंग। और जो बच्चों के कपड़े वो बेहतर रहता है कि आप खुद जाके लें, ऑनलाइन कम ही बाई करें, क्योंकि जो समर स्टफ था, लेकिन ये समर का है तो सही था, लेकिन ये इस तरह का मिक्सअप था, वो ज़्यादा गर्मी में पहनने वाला नहीं था और अजीब सा खिंचा खिंचा सा कपड़ा था, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। और अच्छा जी, ये नेक्स्ट पार्सल, ये भी मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो के साथ इसको ऐड करूंगी, क्योंकि ये भी जो है समर से रिलेटेड सारी शॉपिंग थी। तो ये मैंने बच्चों के सैंडल मंगवाए थे, और जी ये सैंडल भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी, ये सबसे छोटे बेटे के लिए मैंने मंगवाए थे, और ये ना मिक्स टाइप थे प्लास्टिक और इस तरह से ना, और ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे ना अगर घर में पहनने के लिए। और अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके जो है 2 बटन थे, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अगर आपका बच्चे का पाँव मोटा है तो आप उसको सबसे एंड वाला बटन बंद कर सकते हैं, या फिर आपको अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये खुला है तो ये देखिए इस तरह से आप फर्स्ट वाला जो बटन है वो बंद कर सकते हैं। तो ये आई थिंक 4-5 यूरो के थे, और ये जी बहुत मुझे अच्छे लगे थे, तो ये भी मैंने बाई की, और ये अभी तक चल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये मेरे सबसे बड़े बेटे के लिए जो है मैंने सैंडल मंगवाए थे, और ये भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे, इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट और मतलब कंफर्टेबल थे, पहन पहन के इंसान आराम से इनमें चल सकता है, और ये इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, आई थिंक ये
ट्वेल्व टू थर्टीन यूरो के थे, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और मेरे बेटे को भी ये पसंद आए थे। जरा मैं ये मंगवा रही थी तो मैं डरी थी क्योंकि मुझे जो साइज़ है उनकी ज़रा कन्फ्यूजन हो रही थी, तो बस फिर मैंने ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये आए तो ये उनका साइज़ वगैरह भी ठीक था और क्वालिटी वाइज भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और इसके अलावा जी ये मैंने अपने दूसरे बेटे के लिए भी मंगवाए थे सैंडल, तीनों बच्चों के लिए मैंने जो है ऑनलाइन ही सैंडल मंगवा लिए थे और ये भी जो है क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे। बस इनका ज़रा ये प्रॉब्लम था कि ये साइज़ में ना खुले थे, मतलब साइज़ में तो ठीक थे लेकिन जो है पहन के जब उनसे पहने तो वो ये खुले खुले थे। तो ये भी प्राइस के लिहाज से बहुत अच्छी थी, इनकी लेदर भी और ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन बस ये था इनका मसला कि ये थोड़े लूज लूज थे, थोड़ा खुले खुले थे और ये जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। और अगर आपने तीनों से ऑनलाइन अगर अपने बच्चों के लिए शूज़ या सैंडल वगैरह मंगवाने हो तो इनके साइज़ भी चेक करने का ये तरीका है कि जो यूरोप का साइज़ है उन्होंने वो भी मैंशन किया होता है, बस जो मेजरमेंट्स उन पर आप क्लिक करेंगे तो सारे साइज़ खुल जाएंगे कि आप कौन सा साइज़ आपके बच्चे का उसके मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको ये कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, ईजिली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जी ये देखें ये पहन के कुछ इस तरह से लग रहे थे, जरा खुले खुले थे, वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा था लेकिन ये थोड़े लूज थे। और इसके अलावा जी ये मैंने मंगवाए थे अपने बड़े बेटे के लिए ट्राउज़र। अच्छा ये मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी कि लड़कियों के तो नॉर्मली जो है यूरोप में ट्राउज़र वगैरह मिल जाते हैं, टाइट्स वगैरह इस तरह से, लेकिन जो लड़के हैं उनके लिए जो पूरा ही सेट लेना पड़ता है, ट्राउज़र जो है अलग से नहीं मिलते हैं, तो ये मुझे ऑनलाइन नज़र आए तो ये भी मंगवा ली। इसका भी स्टफ़ बहुत अच्छा था। अच्छा ये थोड़ा ना वो मिक्स टाइप था ना लचक वाला, लेकिन यह है कि गर्मियों के लिहाज से ये बेस्ट है। और ये जी तीन का सेट था, तीन कलरों में थे ये और आई थिंक ये 11 या 12 यूरो के थे और ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इस तरह से आप घर में या फिर ऐसे पार्क वगैरह में भी जाना हो तो बच्चे ढीले डाले ये अच्छे रहते हैं। तो अगर आपको ये समर्स के लिए चाहिए तो आप इनको इजीली तीनों से ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। और विंटर के लिए तो वैसे नॉर्मली आराम से जो है सेपरेट ट्राउजर मिल जाते हैं, उनका इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो गर्मी को लेना हो उनका बहुत प्रॉब्लम होता है कि वो इस तरह लग से सिर्फ ओनली जो ट्राउज़र वो मिलना मुश्किल हो जाते हैं। तो ये तीनों से इजीली अवेलेबल है, ये आप लोग वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। और इनका स्टफ भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा था, ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, इनका कलर वगैरह और इनका जो है बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है, क्वालिटी वाइज भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और जी इसके अलावा ये मैंने जी टॉवल मंगवाए थे, कंप्रेस टॉवल हैं और इसके अंदर ये 20 पीसेस थे और ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो ये भी मैंने मंगवा लिए। चाहिए अगर आप ट्रैवल करनी हो या फिर जैसे गर्मी अगर आप कोई स्किन रूटीन कर रहे हैं तो इसके लिए ये बहुत बेस्ट है। इनको ऐसे जैसे आपने पानी में डालो, ये देखिए ये इस तरह से ये ओपन हो जाते हैं और ये वेट पेपर एक बन जाता है, उससे आप इजीली अपना फेस जो है क्लीन कर सकते हैं, हैंड क्लीन कर सकते हैं। तो ये भी मैंने बाय कर लिए। तो जी ये थी मेरी तीनों की समर शॉपिंग, आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, मुझे तो ये चीज़ें सब बहुत अच्छी लगी, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी। तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। याद, अल्लाह हाफिज़।